कई दिनों से वो मुझे मैसेज लिख रही थी, जनाबे अली, हुजूर वाला, बस एक मिनट मुझसे बात कर ले। मैं एक मिनट से अगर तजावुज करूं तो बेशक काल ना सुनना। मैं जेरे लब मुस्कुरा के लिखता था, बहुत बिजी हूं, अभी नई नज्म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर यही लिखती थी, सिसती रोती दिल के ती नज्मों के उम्दा शायर, तुम अपनी नज्में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे बात कर लो, बस एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता था, फजूल लड़की, बहुत बिजी हूं, बस एक मिनट ही तो नहीं है ना। वो कई दिनों तक खामोश रहती। एक दिन मैंने इसकी हालत पर रहम खाकर जवाब लिखा, बस एक मिनट है और एक मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा रहा था। वो कह रहा है लंबा सांस लेके उदास लहजे में बोली, सर जी मैं जानती हूँ कि एक मिनट है और एक मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत न कर सकूंगी। सुलगती हिजर जदा रातों को उदास नज़मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पर रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में चलते लोगों का दुख समझना। अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो एक मिनट की जो काल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगले आधे मिनट गुजरने का मुंतजर हूं। वो नर्म लेकिन उदास लहजे में बोलती हुई उदास लड़की मेरी समाध के अधखुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है। बहुत सालों से चल रही है वो काल, अब तक कटी नहीं है। दिनों से वो मुझे मैसेज लिख रही थी, जनाबे अली, हुजूर वाला।